हेलो, हाय जिया। हाय ध्रुव, कहो। अच्छा सुनो, कल हम सब दोस्त पिकनिक के लिए जा रहे हैं, ओके? पिकनिक पे? हाँ, सुबह 6:30 बजे। तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें पिकअप करूँगा, ओके? ओके, मैं तैयार रहूँगी। बाय ध्रुव। बाय। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। सात बजने आ गए, ये ध्रुव कहाँ रह गया? जिया, इतनी सुबह सुबह तो क्या कर रही है? नानी, आज हम सब फ्रेंड्स ना पिकनिक पर जा रहे हैं। देखो ना, ध्रुव 6:30 बजे मुझे पिकअप करने आने वाला था, अभी तक नहीं आया। अब बस आता ही होगा। हेलो ध्रुव, कहाँ हो तुम? अच्छा जिया, तुम रेडी हो ना? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। अच्छा आज तारीख क्या? 1st अप्रैल। रियली? Got you, April Fool! April Fool? Sorry, Jia, it was just a joke. Nani, मुझे April Fool बनाया। नहीं 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 रोते नहीं बच्चे, रोते नहीं। तो हम उसे ना गधा बना देते हैं, या तो फिर काला कौवा। April Fool? आज 1st अप्रैल है? अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया। इससे पहले कि कोई मुझे April Fool बनाए, मैं किसी को बनाता हूँ। किसे? बनाता हूं जो 365 दिन साल के मुझे फूल बनाता है। मानना पड़ता है राजा, तुम पराठे बहुत ही अच्छा बनाते हो। और नहीं मिलेगा? मैं और थोड़ी ना मांग रही थी, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रही थी। ऐसे तुम इतने अच्छे पराठे कैसे बनाते? हाथों से। लेकिन मुझसे इतने अच्छे पराठे क्यों नहीं बनते? क्योंकि आप हाथों से नहीं बनाती, इसलिए। तो फिर मैं कैसे बनाती हूँ? जादू से। हाँ मामा, टेस्ट पराठों में नहीं बल्कि बनाने वाले के हाथों में होता है। अभी तुम्हें अपने हाथ पैरों को तकलीफ देनी है तो तुम दो, अपनी ताकत का इस्तेमाल तुमने करना चाहती मत करो। लेकिन मैं तो बस यूं किया तो पराठे, यूं किया तो लस्सी, और यूं किया तो सारे पेट में। मम्मा, कभी तो आम इंसान की तरह बिहेव करो, सर ट्राई करके देखो कितना मजा आता है। नो थैंक यू, मुझे आम बनने का बिल्कुल शौक नहीं, मैं स्पेशल ही ठीक हूँ। हे भगवान, काश कोई ऐसा जादू होता जिससे हमेशा के लिए हमारे ये जादू खत्म हो जाए। ऐसा मत बोल बेटा, पता नहीं कब किसी की बोली हुई बात सच हो जाए। नो नो नो, आज के बाद इस घर में जो कुछ भी होगा जादू के साथ होगा। आज के बाद मुझे आप लोगों के जादू से कोई एतराज नहीं। आज के बाद तुम्हारे पापा मेरे पापा, आज के बाद तुम्हारी मम्मी जी मेरी मम्मी जी। मम्मी जी मुझे माफ कर दो। मम्मी जी ठीक है ठीक है, पाँव छोड़ो पाँव छोड़ो। नहीं, पहले आप मुझे आशीर्वाद दो। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा नया जन्म हुआ है। अच्छा ठीक है, दूधो नाओ पूतो फलो। इसी बात पर ठंडा ठंडा दूध और आलू के पराठे हो जाए। गुड आइडिया, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओ, मुझे तुम्हारे पराठे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे मम्मी जी के जादुई पराठे चाहिए। हाय हाय, क्यों नहीं, अभी लो मेरे बच्चे। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग आते जाते मेरा दामाद खाए आलू के पराठे। क्या हुआ मम्मी जी? तुम्हारे प्यार में ना शायद मैं मंत्र गलत पड़ गई। श्रिंग सर्वलिंग गेहूं के आटे मेरा दामाद खाए आलू के पराठे। तुम्हारी मम्मी जी मुझे आलू के पराठे नहीं खिलाना चाहती है। ऐसी बात नहीं, श्रिंग ब्रिंग मारूंगी चाटे, जल्दी से आजा आलू के पराठे। आलू के पराठे, श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग आलू के पराठे पराठे। ये क्या हो रहा है? पता नहीं राजा, मेरा जादू काम ही कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मा मम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको जुकाम हो गया है? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं चेक करता हूँ। दांत दिखाइए, मुंह खोलिए, कान दिखाइए, आप तो बिल्कुल ठीक हो। फिर आलू के पराठे क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब मुझे पराठे नहीं मिलेंगे। राधा मंगा लेगी ना? राधा तुम मंगा। ठीक है, नरी बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, बनाने के नहीं, जादू से मंगा कर खिलाए। नहीं मम्मा, इन्हें ना मेरा जादू करना पसंद नहीं है।
है नहीं, था था। अब तुम जो कुछ करोगी जादू के साथ करोगी, जादू मतलब जानू। लेकिन जानू क्या जरूरत है, मैं बना के लाती हूँ ना। इसका मतलब तुमने मुझे काबिल नहीं समझा मम्मी जी। राधा मंगाना, मंगाते ना, डांटते क्यों? श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, मेरा जानू करे कराटे, खाके स्वाद भरे शक्ति भरे आलू के पराठे। तुम्हारा भी? हम कोशिश कर रही हूँ ना। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, गुलाब के कांटे भेज आलू के पराठे। हाँ राधा, तेरा जादू भी काम नहीं कर रहा है? नहीं मम्मा। नहीं नहीं, फिर से कोशिश करना, करना। कर रही हूँ ना। हाँ, आलू के पराठे, श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, आलू के पराठे, 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 पराठे। क्या इनकी जादुई ताकत वाकई काम नहीं कर रही? हे भगवान, कुछ कर कि ये लोग हमेशा ऐसे ही चुटकी बजाते रह जाएं। क्या हुआ, तुम लोग का जादू काम नहीं कर रहा है? पता नहीं क्यों ये पराठे नहीं आ रहे, पता नहीं। पराठे नहीं तो कुछ और जादू ट्राई कर लीजिए। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग मनाली टू कुल्लू, बन जाए मेरा दामाद उल्लू। क्या मैं उल्लू बना क्या? अरे मम्मा बना रही है ना। लेकिन बना तो नहीं ना, ये क्या हो रहा है? राधा कहीं तेरी बोली हुई बात सच तो नहीं हो गई कि हमारा ये जादू खत्म हो जाए? लेकिन मम्मा मेरा भी जादू काम नहीं कर रहा। तेरा भी नहीं कर रहा है, मेरा भी नहीं कर रहा है, जिया का जादू कर रहा है या वो भी नहीं? हाँ मेरा जादू पहले भी कहाँ चलता था, बैंगन बनाओ तो बंदर, बंदर बनाओ तो गधा। अरे गलत है सही, तो ट्राई तो कर। लेकिन क्या करूँ? आप कुछ भी, आप जिया कुछ भी बना, कुछ भी मंगा, लेकिन जादू कर जिया प्लीज। ठीक है, श्रिंग भ्रिंग सर्वलिंग, लेकिन क्या करूं? अरे कुछ भी कर, अपने डैडी को मेंढक बना दे। मम्मी जी, आप मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हो? मैं तो आपसी रिश्ता सुधार रहा था ना। तो थोड़ा सा और सुधार लेना बेटा, मेंढक बन जा। चल चल बना दे मेंढक। सॉरी डैडी, श्रिंग भ्रिंग सर्वलिंग, दिल करे धक धक, मेरे डैडी को बना दो मेंढक। बना क्या? इसका जादू भी गया, अब क्या होगा? हमारा तो जादू खत्म ही हो गया ना, अब क्या करें? करना क्या है मम्मा, बस अब हमें आम इंसान की तरह जीना पड़ेगा, और क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं इस तरह नहीं जी सकती। कहाँ चुटकी बजाते ही सारा काम हो जाता था, और कहाँ जरूर किसी की नजर लगी है। मम्मी जी, मेरी नजर? मम्मी जी, मैं तो आपसे रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहा था। मैं आता हूँ। नानी, क्या इसका मतलब है कि हमारा जादू अभी कभी काम नहीं करेगा? पता नहीं बेटा। आज मैं ऊपर आसमान नीचे तरह, आज मैं आगे जमाना है पीछे। Tell me, ओ खुदा, अब मैं क्या करूं? चलूं उल्टी के सीधे चलूं। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मेरी बुढ़िया खुशक सास का जादू चला गया। यस, अब मैं उसे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। पहले जरा सी बात पर वो मुझे मेंढक बना देती थी या बंदर, कभी नाक लंबी तो कभी कान, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं कर सकेगी। कुछ नहीं कर सकेगी, वाव। इतने खुश होने की जरूरत नहीं, ऐसा ना हो कि खुशी के मारे मैं उसे कुछ उल्टा सीधा कह दूं, उसका जादू वापस चला है। फिर भूल गए जब नाक लंबी की थी कितनी तकलीफ हुई थी। एक बार और कंफर्म कर लेना चाहिए। यस, एक बार और। फिर मैं उसे बताऊंगा कि ससमा, मैं अपना और आपका रिलेशनशिप सुधार नहीं रहा था, बल्कि आपको अप्रैल फूल बना रहा था। यस, लेकिन कैसे? दुश्मन नंबर वन, मिसेस शांति सबरवाल। क्या मेरे बारे में वो ऐसा कहती हैं? अब मैं क्या बताऊं मौसी जी। मौसी जी? मेरा मतलब शांति जी। हाँ। मेरा दिल ही कुछ ऐसा है, अब कल ही वो बोली वो सबरवाल की भैंस। लेकिन हमारे यहाँ भैंस कहाँ है? आपके पति के यहाँ तो है। मेरे पति की भैंस कौन है? हाँ, मुझे भैंस कहा उन्होंने? वो तो तब बोला जब आप हमारे यहाँ दूध मांगने आए थे। देखिए ना, इस बात को लेकर भी उन्हें बुरा लगा। बुरा तो हमें भी लगा, लेकिन पूरे मोहल्ले के सामने हमने आपको भैंस तो नहीं बुलाया। आपस में बुला लिया तो बुला लिया, लेकिन पूरे मोहल्ले के सामने
ऐसे में तो भैंस को भी भैंस बुलाए तो उन्हें शर्म आएगी और आप तो मैं उनको जाकर पूछती हूँ। लेकिन मेरा नाम लेके मत पूछेगा, आप तो जानती है हमारे रिलेशंस कैसे हैं। वो आज नहीं तो कल चली ही जाएगी। लेकिन आप तो हमारी पड़ोसी है, अगर हम आपको भगाना भी चाहे तो आप नहीं जाओगी। आप फिक्र मत करो सूरज जी, मैं अभी जाकर उनको पूछती हूँ। गुस्से में आकर वो सासू माँ को जरूर कुछ ना कुछ सुनाएगी और सासू माँ उसके जवाब में उसे कुत्ता बिल्ली या भैंस जरूर बनाएगी। अगर वो बनी इसका मतलब मैं उल्लू बना, और अगर नहीं तो मैं सासू माँ को उल्लू जरूर बनाऊंगा। राधा, ए राधा, राधा शांति जी आप कैसे आई पैरों से? तुम्हारी मम्मी जी का आज मुझे हिसाब चुकाना है। उधार लिया था? हाँ वही तो लौटाने आई हूँ। बता तुम्हारी मम्मी जी कहाँ? क्यों शांति बेटी क्यों गला फाड़ रही हो? मम्मी जी आपने मुझे भैंस कहा? पागल है, भैंस से मार खानी है जो तुझे भैंस को? देखो मम्मी जी मुझे पता है आपको ना मेरा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप भी ना कान खोल कर सुन लो, जब तक आप हमारे पड़ोसी हो ना मैं यहाँ आऊंगी, शक्कर भी मांगूंगी, दूध भी मांगूंगी, जिसमें हिम्मत है मुझे रोक के देख ले, नहीं है ना राधा? एक कटोरी शक्कर देना। आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही बोल गई? मुझे गुस्सा आ रहा है शांति। आपको गुस्सा आया तो क्या कर लेंगी, कुछ नहीं कर सकती आप। ए राधा तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है, चल ना मुझे एक कटोरी शक्कर दे, चल ना। उसे बंदर बना लो। श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग, ये जो अब आई है अंदर, बना दे उसे बंदर। नहीं नहीं बंदरिया, बना दे बंदरिया। क्या हुआ? जादू काम नहीं कर रहा है। एक और बार ट्राई कीजिए। बना दे इसे बंदरिया। क्या? आपने मुझे बंदरिया कहा? मुझे बंदरिया कहा? ए राधा देख तेरी मम्मी जी ना मुझे बंदरिया कह रही है। देखो मम्मी जी मैं ना आपको मम्मी जी जैसे समझती हूँ, इसलिए रिस्पेक्ट जैसी करती हूँ, वरना मैं भी लोगों की तरह यूं करके ना बंदरिया बना दूँ। यूं करके? हाँ। अरे वाह चुटकी तो मैं बजा कर तुझे बना दूंगी बंदरिया। अरे क्या यूं करते हो आप? क्या परियो यूं किया था बंदर, यूं किया था बंदरिया, यूं किया था ये, यूं किया था वो। देखो मम्मी जी मैं ना आपकी रिस्पेक्ट जैसी करती हूँ, इसलिए कुछ नहीं कह रही। देख राधा मैं जाती हूँ, हटो ना मम्मी जी। बन जा बंदरिया बन जा। ओ राधा मेरा जादू काम नहीं कर रहा है, ये मुझे इतना कुछ कहेगी और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। ये मोटी भैंस का जब मुझे बंदरिया बनाएगी और मैं बस चुटकी बजाती रह गई। नहीं अब मैं परी नहीं रही। हे भगवान मम्मा रोते नहीं, रो नहीं तो क्या करूं? क्या हुआ नानी आप रो क्यों रहे हो? तेरी नानी अब परी नहीं रही, हम सब अब परी नहीं रहे, अब इन इंसानों की बातें सुननी पड़ेगी। सोचो कितना अच्छा था ना, यूं किया पराठे आगे, यूं लस्सी, यूं कद्दू, यूं करेला, अब यूं यूं करते रहेंगे कुछ भी नहीं होगा। वेरी गुड वेरी गुड। तू हंस रहा है? मैं ना अभी तुझे नहीं, एक्चुअली मैं बहुत दुखी हूँ। ये हंसी दुख की है, जैसे खुशी के आंसू होते हैं वैसे ही दुख की हंसी। क्या करूं मैं भी हंसू? मत रो नानी। मम्मा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे कोई गलती हो गई हो और रानी देवी ने हमसे हमारा जादू छीन लिया हो? हाँ, लेकिन नानी हम तीनों उन्हें फिर से खुश करके अपनी जादुई शक्ति वापस ले लेंगे। हाँ, हाँ, मम्मा ये ठीक रहेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। रानी देवी हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो ना, प्लीज हमारी जादुई शक्ति हमें वापस दे दो। हाँ रानी देवी प्लीज। मम्मा हाथ लगाओ। हाँ कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं हो रहा है बेटा, तो हाथ लगा के देख। प्लीज रानी देवी। तीनों मिलके हाथ लगाओ शायद कुछ हो जाए। हाँ रानी देवी क्या किया हमारी जादुई शक्ति? कंफर्म चली गई है। हाँ अब आप मेरी तरह इंसान हो। नहीं नहीं मेरी तरह नहीं बल्कि बिल्कुल सी ग्रेड इंसान। क्या क्या क्या? हाँ बड़े मजे लिए ना आपने। परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे न छूना। अब कहाँ है पर और कहाँ है परी? बहुत सताया आपने मुझे, बहुत सताया, बहुत डरता था मैं आपसे कि अगर बाय मिस्टेक कुछ कह दूं तो आप यूं करके मुझे कबूतर बना देती, या कभी मेरे कान लंबे तो कभी मेरी नाक,
अब अपना सामान उठाओ खुसट सासू माँ। जानू, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपनी दिल की बात कह रहा हूँ जो इतने सालों से मेरे दिल के अंदर दबी थी। अब मैं इनसे नहीं डरता। ये परी थोड़ी ना है कि यूं करके मुझे बंदर बना दे या यूं करके चुकंदर। पर तुम तो मेरे से संबंध सुधारना चाहते थे ना। मैं आपसे संबंध सुधारना नहीं चाहता था, मैं आपको सुधारना चाहता था। आप भूल गए कि आज क्या है? आज 1 अप्रैल है और मैं आपको अप्रैल फूल बना रहा था। क्या? हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं आपसे माफी मांगूंगा? मैं आपके पैर पकड़ूंगा। राधा राधा राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस बात पर कुछ मीठा हो जाए, कुछ लड्डू पेड़े रसगुल्ले जलेबी खीर। हाँ, मंगा मंगा, यूं करके रसगुल्ले, यूं करके खीर, यूं करके पेड़े, यूं करके लड्डू, यूं करके कद्दू। मतलब आपका जादू खत्म नहीं हुआ था? Oops, तो वो सब क्या था? बेटे पोपटलाल, आज क्या तारीख है? 1 अप्रैल। तो आप हमको अप्रैल बना सकते हो, हम आपको अप्रैल फूल नहीं बना सकते। तो आप लोग मुझे अप्रैल फूल बना रहे थे। हाँ, अप्रैल फूल। ऐसे बनाने की क्या जरूरत है, मैं तो पैदाइश ही फूल। तुम हो ही, लेकिन बनाने में कुछ एक्स्ट्रा मजा आता है। सॉरी डैडी। सॉरी जानू, तुम्हें फूल बनाना। अब मैं बनाऊंगी बंदर। क्या? क्यों, क्या कुछ कह रहे थे मुझे? सीग्रेट इंसान, बुढ़ी खुसट सासू माँ, श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग। नहीं,